देखिए माय फ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड को कैसे तड़पाया जाता है, जलाया जाता है, इसके बारे में ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है जो है लड़कों के लिए खास। उसका लिंक इस वीडियो के एंड में दे दूंगी, आप लड़के जाकर देख सकते हैं। ये वीडियो है सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए जो अपने बॉयफ्रेंड को जलाना चाहती है। देखिए माय फ्रेंड, अगर आप सच में अपने बॉयफ्रेंड को जलाना चाहती है ना, तो सबसे पहले तो आप अपना एक बेस्ट फ्रेंड लेकर आ जाइए, बॉयफ्रेंड नहीं बेस्ट फ्रेंड, और उसके साथ में बहुत हंसी मजाक कीजिए, बहुत खुलकर इंजॉय कीजिए अपने बॉयफ्रेंड के आगे। बॉयफ्रेंड चाहे कितना भी ओपन माइंडेड क्यों ना हो, जब उसे ये लगता है कि उसकी गर्लफ्रेंड उसके फ्रेंड के साथ में, मीन्स अपने फ्रेंड के साथ में बहुत ओपन हो रखी है और बहुत इंजॉय करती है, फन करती है, तो ये चीजें समवेयर यू नो जेलसी तो फील करवाती हैं एक लड़के को। तो ये काम आप जरूर करें अपने बॉयफ्रेंड को जलाने के लिए, मतलब एक्स्ट्रा बातें करें अपने फ्रेंड से। दूसरी चीज जो आप कर सकती हैं कि आप अपने बॉयफ्रेंड के ही फ्रेंड से जो उसका बेस्टी है उसकी तारीफ करें और उससे बात करें। इसका भी एक यू नो फर्क पड़ता है बॉयफ्रेंड पर, लेकिन मेक श्योर आपका बात करने का जो अंदाज है वो ऐसा ना हो कि आप उसके फ्रेंड में इंटरेस्टेड हैं, आपको उसका फ्रेंड एज अ बॉयफ्रेंड पसंद आ गया है, ये वाला फील ना दे अपने बॉयफ्रेंड को, इससे चीजें बिगड़ जाएंगी। आप बस ओवर फ्रैंक हो जाएं, बहुत फ्रेंडली हो जाएं उसके फ्रेंड के साथ, बहुत ज्यादा यू नो खुलकर बात करें, इंजॉय करें और बहुत फ्रैंक होके, मतलब जैसे आप अपने ही फ्रेंड से बात कर रहे हो इस तरीके से बात करें। इससे भी आपके बॉयफ्रेंड को जेलसी होगी कि बॉयफ्रेंड नहीं चाहता कोई भी कि उसकी गर्लफ्रेंड उसके अलावा किसी और के साथ फ्रैंक हो और उसके ही फ्रेंड के साथ में फ्रेंड को, ये तो बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर सकता। इससे उसको जेलसी भी होगी और दूसरा क्योंकि आप जस्ट फ्रेंक होकर बात कर रही हैं, कुछ गलत तरीके से बात नहीं कर रही, इस वजह से वो कुछ कह भी नहीं पाएगा, क्योंकि सच में आप नॉर्मली बात कर रही हैं सबके आगे तो कुछ गलत नहीं है, तो वो कुछ कह भी नहीं पाएगा, तो इससे उसको बहुत जेलसी होने वाली है। तीसरी चीज़ जो आप कर सकती हैं वो ये, उसको थोड़ा सा इम्पोर्टेंस देना कम कर दे। इससे उसे क्या पता चलेगा, ये फील आएगा कि अपने फ्रेंड को ज्यादा इम्पोर्टेंस देती है या उसकी ज्यादा वैल्यू करती है, तो ये भी चीजें थोड़ी सी जेलसी पैदा करेंगी आपके बॉयफ्रेंड में। तो ये काम आप कर सकते हैं उसके साथ में, कभी भी प्लान कैंसिल करके, और हमेशा ना करें, आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा, बहुत ज्यादा ये सब करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। कभी कभी ऐसा करें, उसको थोड़ा सा लेट डाउन कर दे, थोड़ा सा अपने फ्रेंड के आगे अपने फ्रेंड की वैल्यू ज्यादा बढ़ा दे। सो ये आप कर सकती है। अगली चीज जो आपको करनी है वो ये कि आपके घर पे जब भी फंक्शन हो सकता है कि अभी तक आपने अपने घर पर अपने बॉयफ्रेंड को इंट्रोड्यूस ना करवाया हो, अब एक काम करें कि जब भी घर में फंक्शन हो अपने मेल जो फ्रेंड है उसको बुलाएं अपने घर पर और उसके साथ अच्छे से एंजॉय करें, फोटो वगैरह भी खिंचवाएं फैमिली के साथ में भी, उस फ्रेंड के साथ में भी, और उन्हें अपलोड कर दें अपने व्हाट्सएप पर और शेयर करें अपने बॉयफ्रेंड के साथ में। अब बॉयफ्रेंड जो कि आपके घर के फंक्शन में नहीं आ पाया, एक तो इस वजह से दुखी होगा क्योंकि आपके घर पर आ नहीं सकता, अभी आपने मना किया हुआ है तो मजबूर है। ऑन द अदर हैंड जब उसको लगेगा कि यार फ्रेंड इसके घर पर भी गया, इसकी मम्मी पापा से ही मिलता है और इतना एंजॉय किया उसने, ये चीज भी उसको यार जेलस फील करवाएंगे कि यार मैं क्यों नहीं, मुझे होना चाहिए था फैमिली फंक्शन में, यू नो इसकी बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। क्योंकि जब कोई फ्रेंड हमारे घर पर आता है फंक्शन में, हमारी फैमिली के साथ मिलता है, इससे ये पता चलता है कि उस फ्रेंड की वैल्यू कितनी ज़्यादा है कि आप घर तक लेकर आए हैं, और वो मेल फ्रेंड आपके पेरेंट्स के साथ में भी इन्वॉल्व हो रहा है, तो इससे और ज़्यादा अटैचमेंट बढ़ता है, दोस्ती गहरी होती है, और ये अपने दोस्त के साथ में आपका गहरा रिश्ता जो कि उसका पहले होना चाहिए था उसका नहीं है, आपके दोस्त का है, तो ये चीज़ें उसको जेलसी फील ज़रूर करवाएं। साथ ही साथ आप ये भी उसको जरूर बताएं कि जब आपका फ्रेंड घर पर आया था तो आपके पेरेंट्स को कितनी तारीफ कर रहे थे, कितनी एडमायर कर रहे थे। जब आपका फ्रेंड घर पे आया तो वो बिल्कुल घर में काम कर रहा था जैसे आपका भाई करता है या घर का मेंबर करता है, इस तरीके से वो घर में हिल मिल गया, घुल मिल गया, सबने उसको बहुत पसंद किया, उसने बहुत इंजॉय किया, सबको अच्छा लगा, उसकी थोड़ी सी तारीफ करते हैं और बताएं कि आपके पेरेंट्स को पूरी फैमिली को आपका फ्रेंड बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा लगता है हमेशा। जब ये आप दिखाएंगे कि आपके फैमिली वाले आपके फ्रेंड्स को पसंद करते हैं जो कि मेल है, इससे भी आपके बॉयफ्रेंड को बहुत ज़्यादा जेलसी होने वाली है, वो कुछ नहीं कर पाएगा लेकिन जल जाएगा बहुत बुरी तरीके से।
तो ये वो काम है जो आप डेफिनेटली कर सकती हैं अपने बॉयफ्रेंड को जलाने के लिए। बट एक चीज ध्यान रखिए, कुछ चीजें हैं जो आपको इस प्रोसीजर में नहीं करनी है, एक बिग नो है जिनके लिए। सबसे पहली चीज, अपने बॉयफ्रेंड के आगे कभी उसे ये फील ना करवाएं कि आपको किसी और में इंटरेस्ट है, आपको कोई और लड़का अच्छा लग रहा है अलग तरीके से, यू नो, प्यार मोहब्बत के मैटर पे ये चीज ना दिखाएं। इससे वो जलेगा नहीं, इससे आप दोनों के रिश्ते में कड़वाहट आ जाएगी, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, कभी भी आपका जब जलाना तड़पाना होता है ना, फन में ठीक है, एक लिमिट तक ठीक है, बहुत ज्यादा खींचे ना। ऐसा ना हो कि आप हमेशा यही करती जा रही हैं, खींचती जा रही हैं इस मैटर को, तो इससे आपका जो रिश्ता है वो बिगड़ जाएगा। जो बॉयफ्रेंड स्टार्टिंग में चिढ़ रहा है ना, वो आपसे नफरत करने लगेगा। जो चिढ़, जो जेलसी है, अगर वो थोड़े टाइम पर हो और खत्म कर दी जाए, तब तो वेल एंड गुड है। बता दिया जाए कि जो जो मैंने किया वो तुम्हें जलाने के लिए किया, हंसी मजाक में किया, तुम्हारा ना मजाक उड़ा रही थी, तब तक ठीक है। ये चीजें ज्यादा आप खींचोगी तो उसके मन में खटास आने लग जाएगी, आपके अगेंस्ट वो हो जाएगा। उसे ऐसा लगेगा कि आपका इंटरेस्ट अपने फ्रेंड में ज्यादा है, आप उसे पसंद नहीं करती, इग्नोर कर रही है। ये वाला फील लड़कों में आने लगेगा, आपके बॉयफ्रेंड में आएगा, तो ये काम करने से भी बचे। सो ये दो चीजों का ख्याल रखें, बाकी ये ट्रिक्स आप आजमा सकती हैं अपने बॉयफ्रेंड को जलाने के लिए, डेफिनेटली काम करने वाली है। इसके अलावा अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, आप मुझसे उसके रिगार्डिंग बात करना चाहते हैं, कंसल्टेशन चाहते हैं, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपनी कॉल बुक कर सकते हैं। मेरी टीम आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ कॉल बुक करने में, जो कि पेड होगी। अब विदा लेती हूँ, फिर मिलूंगी किसी ऐसी यूजफुल वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा।